写真はフランスで発明され、その数年後の1840年代にインドに伝わりました。初期の写真家やスタジオは、この地のイギリス人の気まぐれな好奇心や一部の裕福なインド人家族を満足させるだけのものでした。しかし19世紀も終わりになると、スタジオの利用者は急増し、巨大な写真市場が出現していました。インドは多様な文化、社会、宗教、言語が共存する巨大なルツ。こうした多様性はカーサドキュメンテーションセンターに記録保管されている写真画像にはっきりと映し出されています。それらの画像は社会的、歴史的な背景、あるいは階層やジェンダーの違いによって一枚一枚がはっきりと異なるものの見方や多くの声を映し出しているのです。しかし、そうした相異なる写真の画像というものが、ひとたび多様な写真記録のアーカイブにおける一つの時代の年代記として見られるならば、その時々のパラメーターや流行を反映した一般庶民の姿がそこに立ち現れてくるでしょう。この文脈において、統合された経験を想起させる画像の集合的な記憶という概念は新たな形を帯びてくるのです。しかしながら、そこに共通する文脈は現実的というよりは仮想現実的なものです。というのは、それはこう写されたいという願望の段階では似通っていますが、それぞれの台本、すなわち社会的、文化的な文脈の中で演じられる際には、明らかに異なったものになるのです。ものの見方やそれに制約される個人の記憶に応じて、絶えず文脈や意味を変えていきます。同時に、被写体が自らを演じる際の欲望や空想に、写真家自身のテクニックや創造性が加味されて、最終的な画像には全く新たな一連のパラメーターがもたらされるのです。July, you know, just when Delhi was really hot, and we were expecting a monsoon. मेरा दोस्त अमी और मैं चल पड़े अपनी छोटी सी मारुति में हिंदुस्तान भ्रमण करने. July 1997. साथ में हमने रखे कैमरे, लाइटें और एक लंबी सी अपॉइंटमेंट लिस्ट फोटोग्राफरों, स्टूडियो और फोटो कलेक्शन करने वाले लोगों के साथ. हम लोगों ने यात्रा की करीब 9948 किलोमीटर की पथ में, और साथ साथ इकट्ठा किया करीब 1000 से भी ज्यादा तस्वीरें 77 अलग अलग स्थानों से. हमारी इन कोशिशों के उपरांत हमने कई रचनात्मक संबंध स्थापित किए, सबसे बड़े स्टूडियो से लेकर के सबसे छोटे स्टूडियो तक, सबसे जाने माने फोटोग्राफरों से लेकर के उन अनजान फोटोग्राफरों तक जो हिंदुस्तान के कोने कोने में छुपे हैं. एकत्र तस्वीरों में से ज्यादातर तस्वीरें फोटो स्टूडियो से थी, कुछ 100 साल पुरानी, और यह तजुर्बा भी लाजवाब रहा.
क्या अजीब और गरीब अमेजिंग तस्वीरें थीं। ऐसे एक खजाने के साथ ये अनिवार्य हो गया कि हमें एक संस्था की स्थापना करनी चाहिए जो इन तस्वीरों को संभाल के रख सके। और इसी लाजवाब अजीब और गरीब खजाने के साथ द कासा स्टेशन सेंटर की शुरुआत हुई। मुढ़ले बचपन च स्टूडियो का पहला मतलब जो समझी पिया ओ सी कमरे ओले लुकिया एक होर कमरा बारले कमरे च वन सवन्ने कच दे शोकेस ओना च रखिया रंग बिरंगिया डब्बिया तिखे नैन नक्शा वालिया जवान कुड़िया दिया एक पासड़िया तस्वीरां वक्खो वक्ख साइजा च इको तस्वीर कटदी वधदी हुई। अंदर कमरे च कुप हनेरा ते वड़ियां वड़ियां लाइटा स्टूल परदा तीन पैरां ते टिकिया एक डब्बा कैमरा रोमांस विस्मय तिलिस्म पै कई किस्म दे हुलारे उठदे बालां दे मनां च नवी नवी जवानी च पैर पाउंदियां कुड़ियां स्टूडियो जांदे संगदियां असी बच्चे बड़े चा नाल खुशी खुशी उन्हां नाल स्टूडियो तुर पैंदे कई किस्म दे पोज ते कई किस्म दियां अदावां फोटोग्राफर अचनचेत ही कुड़ी दा हाथ छू लेंदा ते छो दी लर्ज कई कई दिन कुड़ियां दा खेड़ा ना छड़दियां। मां दी उंगल फड़े बाजारां थानी लंघदे असी बच्चे फोटो स्टूडियो वेख के हैरान हो जांदे वेखदे फोटोग्राफर नूं ईजल ते चुकिया कालियां चिट्टियां मूर्तां च हौली हौली बुरश नाल रंग भरदा साल छमाई कोई एक अद्ध दिन अजिहा आंदा मां बड़े उमा बड़े उलार च सानूं तैयार करदी बूट पॉलिश हुंदे मूँह ते मलाई लगाई जांदी नवियां जुराबां गोडे गोडे चढ़ आउंदियां जेबां दे अगे एक निक्का जिहा तिकोणा रुमाल बस्कुए नाल उड़ुंगिया जांदा असीं स्टूडियो जा रहे सां बहुत कुछ वेखण ते शायद कुछ कुछ वखाण भी। स्टूडियो दे बाहर किसे वलैती त्रीमत दा तैराकी सूट च आदम कट वुड कट बाहर खड़ा लोकां नूं अपने वल खिचदा चिट्टे दंदा दी हासी एक हाथ च कैमरा दूजा हाथ उतां चुकिया दूरों लोकां नूं सहनता करदा कैसी जगह हो ये स्टूडियो निके निके बाल अंदरों अंदरी सोचते ते मावां खबरें सोचदियां कि किवें न्याणियां नूं अध नंगी मेम दे टूणे तो बचाया जावे। हम जी पहले शुरू तो फाजिलका रहिंदे सी मेरी शादी हुई सी उस टाइम उसके बाद मैं 15 साल की थी उसके बाद शादी होने के बाद ये कहीं नौकरी करते थे इन्होंने मेरे को काम सिखा दिया वहाँ जाके उसके बाद मैंने फ़ोटो बनाना सीख लिया डार्कों का काम सीख लिया 2-3 महीने के बाद फिर हम उतों आ गए डब अली मंडी वहाँ दुकान किराए थे लेके हम अपना काम शुरू कर लिया पैसा नहीं था हमारे पास किसी से धारा लेके हमने एक कैमरा और एनलार्जर खरीद लिया और काम शुरू कर लिया कोई मुलाजम नहीं रखते थे खुद काम करते थे दोनों दिन में भी रात में भी छोटे छोटे बच्चे भी थे बच्चों को भी संभालते थे काम भी करते थे पूरा दिन रात को 2 बजे तक काम करती थी फिर सोती थी 5 बजे फिर उठ जाती थी सुबह। उस वक़्त हमारे पास कुछ इंतजाम नहीं था तो किसी भी तरह करके हमने एक प्लेट कैमरा मतलब आज भी है मेरे पास कैबिनेट साइज़ का वो हमने 90 रुपीज़ में ख़रीदा और उसी कैमरे को
हम एक बोर्ड बना के उसके ऊपर रेलिंग लगा के उसी कैमरे से फोटो खींचते थे और उसी कैमरे को इनलार्जिंग का शेप दे के डार्क रूम में काम ले रहे थे। डार्क रूम का काम मैं संभालती थी, चाहे ग्रुप खींच के लाते स्कूलों के बड़े बड़े प्लेटों वाले, जैसे एक्सरे मशीन की होती है प्लेटें, इतने बड़े बड़े होते थे, उसी कापियाँ छापनी होती थी, जैसे 200 कापी 400 कापी मैं छापती थी, फिल्में मैं धोती थी, 10-10 फिल्म में इकट्ठी धो लेती थी, जैसे शादी खींच के लाए हैं, किसी फंक्शन की खींच के लाए हैं, एक डिश में 10-10 फिल्में डाल के मैं धो लेती थी, वो पूरा डाल मैंने संभाल रखा था, इनको कोई चिंता ही नहीं थी उसकी, बस ये सिर्फ काउंटर पे रहते थे, वो इलाका ऐसा था कि लेडीज़ काउंटर पे आ नहीं सकती थी, लोग बुरा मानते थे भी लेडीज काउंटर पे खड़ी, वहाँ जमाना ऐसा ही था वहाँ पर, तो वहाँ मैंने सिर्फ डार्क रूम का काम करती थी, काउंटर पे नहीं आती थी कभी। Yeah, there was a board here in Chandni Chowk. Actually, the processing man who was doing the processing of color prints, you know, he was also not much aware of the color correction, how to do it. So, usne ek board yahan lagaya tha ki I still remember the language. Color of your own choice. Red, green, blue, yellow, magenta and cyan. एंड सी आई आस्क्ड हिम पर्टिकुलरली कि भाई क्या है, मतलब कहते हैं राजबाबू क्या बताएं, जैसे प्रिंट निकला था उसको बोलते हैं ये तुम्हारा ये कलर आ गया है ले जाओ। और एक और इंसिडेंट मेरे को बड़ा अच्छा याद आ रहा है, उस वक्त मैनुअल काम हो रहा था, आई थिंक इट वॉज समवेयर 78 or 79, तो देर वॉज ए वन सरदार जी ए मैनुअल लैब ओनर, तो एक कस्टमर उन दोनों मैनुअल हाथ से काम करने में मतलब उतनी स्पीड नहीं है, काम थोड़ा ज़्यादा आ गया, तो कस्टमर आया कि भाई आपने आज का टाइम दिया था मेरे प्रिंट तैयार हो गए, कहेंगे प्रिंट तो आपके तैयार नहीं हो, कहेंगे आपने मेरे को चार चक्कर लगवा दिए रवि जाकर आपने प्रिंट तैयार नहीं कराए, कहेंगे भी देखो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, बारिश आ रही है रंग पिक्चर पर चढ़ ही नहीं रहा है, वो बारिश रुकेगी धूप चढ़ेगी और तब उसके ऊपर कलर प्रिंट के ऊपर कलर पेपर के ऊपर वो रंग आएगा तो तब प्रिंट मिलेंगे आपको। हाँ, एक कस्टमर है ऐसे तो आता था मेरे पास फ़ोटो खिंचाने के लिए, भाई साहब फ़ोटो खींच दो, मैंने एक दफ़ा उसके 3-4 पोज बना दिए, दूसरे दिन फिर आया कहने मेरा 2-4 फ़ोटो और खींच दो, वही बना दिए, वो कंटिन्यूज ही आता रहा फिर डेली, मैं थक जाता था वो नहीं थकता था फ़ोटो खिंचाते समय, कहता खींचे जाओ फ़ोटो, जब तक आप नहीं थकोगे मैं हटूँगा नहीं यहाँ से,
अब आप कलर एक्सपोजिंग कराएंगे फ़ोटो की, मैं आपका बहुत क्लोजअप लूँगा फ़ोटो, तो आपके फेस पे जो भी रिंकल वगैरह हैं उसको रिमूव नहीं कर सकते कलर के अंदर हम लोग। ब्लैक एंड वाइट में आप पोर्ट्रेट बनवाएंगे कैसा भी क्लोजअप, ओनली फेस फेस का, उसके अंदर हम टचिंग फिनिशिंग करने के बाद आपको फोटोग्राफ दिखाएंगे, आपकी तबीयत खुश होगी। The artistry of the studio photographer was very attractive in many different ways to customers for the purpose of image making. Old age marks and blemishes disappeared. Hand coloring brought shimmering vibrance to the gray tones of black and white. Props, backgrounds and doubling allowed a fantasy element with many aspirations. In one instant, one could be driving a huge American car, albeit a cutout, or be shown as a devout devotee offering his head to the mother goddess. The creative possibility was immense and was explored endlessly, both by the subject and the photographer. For the beautiful myth of the studio portrait is part of a preferred memory of self-representation, and the image one wants to retain may just be for oneself or for everyone else. The essential question being, how do I want to be remembered? QSS, basically, it's a Japanese machine, and it was very costly at the initial stages because the rate of duty was very high. So there were very few in India who can really import. And I think in the year 1981, during the Asiad. First machine in 82 reached here. First machine in 82, it reached in Delhi during Asiad particularly. One of the most interesting things of studio existence in 1997 was ki chote chote shahron mein, gaon mein technology had come in a way which has never been seen before. QSS labs ki printing uplabdh hai, tarike ke prints ban jate hain, certain minimum quality of standard is maintained even for the smallest kasba. नियर शहर में भेज देते हैं चाहे वो चार दिन बाद आए, पर एक स्टैंडर्डाइजेशन सी हो गई है इमेज की। मतलब कि ए मेजर चेंज अकर्ड इन टर्म्स ऑफ विजुअलिटी और इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल अप्रोच द फोटोग्राफ। वेल आई थिंक यस सर्टेनली आई थिंक दैट देयर इज दिस चेंज इन सेवरल लेवल्स शुड आई से। आई मीन इफ यू वर टू लुक एट द वे of this vibrant visual culture. We still love the photograph. It has magic. It captures our fantasies, makes possible many aspirations, and preserves many dreams in a frame forever.